हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि 64 बीपीएससी का रिजल्ट दिया जा चुका है और इसमें कुछ दो तीन क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कई लोग इस पे हाई कोर्ट में केस करने को बोल रहे हैं, तो हम इसमें देखते हैं पहले कि मतलब क्या इसमें सही होगा केस करना, या फिर मतलब क्या उसमें फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे केस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और रीजन की जो डिलीट क्वेश्चंस किए गए हैं उन वास्तविक क्या रीजन है, किस बेसिस पे वो डिलीट किए गए हैं, तो ये देखते हैं। तो देखते हैं, और इसमें एक सवाल जो आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि जब उसमें ई ऑप्शन पहले से दे रखा है तो फिर इसमें डिलीट करने का क्या वजह हो सकता है, जब उसमें नन ऑफ दिस या फिर मोर देन टू का उसमें ऑप्शन है ई वाले में, तो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए था, डिलीट करने का कोई वजह नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को जिनको डिलीट किया गया है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस वजह से, किस फैक्ट के बेसिस पे उसको डिलीट किया गया, हटाया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये पूछा गया था, इन विच सिटी और स्टेट वॉज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम वायु इंस्टॉल्ड इन सितंबर 2018। तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। अब मैं इसको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसको क्यों डिलीट किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये पीआईबी के मैंने वेबसाइट से लिया है, ये गवर्नमेंट ने जो अपने पीआईबी वेबसाइट पर डाला था। तो आप देख सकते हैं कि ये वायु है, ये जो वायु है इसका आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि ये डब्ल्यू ए वायु है, इसका फुल फॉर्म है, ये एक्रोनिम लिखा हुआ था, विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। और जो क्वेश्चन में था आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में ये वी ए वायु है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक था यहाँ पे, और उसका एक्रोनिम वो सही होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सही नहीं था, इस कारण इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। आप चाहे तो मैं इसका, इस पीआईबी के न्यूज का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये वजह है इस क्वेश्चन को डिलीट करने का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन था, इन बिहार ड्यूरिंग अप्रैल जून 2018 विच एफडीआई सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, ये चार ऑप्शन इसमें दिया गया था। तो इसका डिलीट करने का जो सही वजह है उसमें ये बताया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो इसमें पूछा गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आरबीआई का रिपोर्ट जो दिया गया था, यहाँ पे मैंने ये लिंक दिया है, आप मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल एफडीआई इनफ्लो जो था इस पीरियड में वो बिहार के लिए जीरो था, और इसमें हाईएस्ट पूछा जा रहा है वो इस पीरियड के लिए टोटल जीरो था, मतलब कोई एफडीआई इनफ्लो आया ही नहीं था बिहार में इस पीरियड में, तो फिर हाईएस्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसमें हाईएस्ट के लिए पूछा गया था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। आप इसको जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक दे रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है ये था अबाउट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, ये चार ऑप्शन दिए गए थे, चांदनी चौक टू पालम। कई लोग इसमें बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो फिर ई ऑप्शन होना चाहिए। इसका डिलीट करने का जो वजह है ये मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको दिया है कि एक पर्शियन में कहावत था कि सुल्ताने शाह आलम दिल्ली टू का पालम, इसका मतलब ये था कि जो एम्पायर ऑफ शाह आलम था ये दिल्ली से लेकर पालम तक ही कन्फाइंड था, लेकिन ये शाह आलम के बारे में कहा जाता था, ये बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं कहा जाता था। बहादुर शाह जफर का तो था कि उन्होंने जो उनका किंगडम था वो भी उन्होंने लॉस्ट कर दिया था और रंगून उनको भेज दिया गया था, जेल कर दिया गया था, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। आप देख सकते हैं मैंने तीनों का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो अगर आपको लगता है कि मैंने सही एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस।